नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Tab S8 5G versus Apple iPad Air 2020 Wi-Fi का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो Galaxy Tab S8 5G में 9.99 इंच जबकि iPad Air Wi-Fi में 9.75 इंच की लेंथ मिलती है जो कि Galaxy Tab S8 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy Tab S8 5G में 6.51 इंच जबकि iPad Air Wi-Fi में 7.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy Tab S8 5G में 0.25 इंच जबकि iPad Air Wi-Fi में 0.24 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy Tab S8 5G में 507 ग्राम्स जबकि iPad Air Wi-Fi में 458 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy Tab S8 5G में TFT जबकि iPad Air Wi-Fi में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy Tab S8 5G में 11 इंचेस जबकि iPad Air Wi-Fi में 10.9 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy Tab S8 5G में 1600x2560 और iPad Air Wi-Fi में 1640x2360 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy Tab S8 5G में 83.92% जबकि iPad Air Wi-Fi में 81.07% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy Tab S8 5G में 274 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iPad Air Wi-Fi में 264 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Galaxy Tab S8 5G में दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और iPad Air Wi-Fi की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy Tab S8 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPad Air Wi-Fi की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy Tab S8 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और iPad Air Wi-Fi में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy Tab S8 5G में Adreno 730 जबकि iPad Air Wi-Fi में Apple GPU 4-Core Graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy Tab S8 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 और iPad Air Wi-Fi में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy Tab S8 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि iPad Air Wi-Fi में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Galaxy Tab S8 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि iPad Air Wi-Fi में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy Tab S8 5G में अप टू 1TB जबकि iPad Air Wi-Fi में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy Tab S8 5G में Android V12 जबकि iPad Air Wi-Fi में iPadOS V14 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy Tab S8 5G में 3 कलर्स जबकि iPad Air Wi-Fi में 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy Tab S8 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 70,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPad Air Wi-Fi की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 50,900 रुपीस, 4 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 54,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Samsung Galaxy Tab S8 5G में 8 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Apple iPad Air 2020 Wi-Fi की तो उसमें 2 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में Galaxy Tab S8 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Apple iPad 10.2 2021 Wi-Fi है, दूसरा Realme Pad Mini LTE है, तीसरा Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE है, और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Tab A8 2021 LTE है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।